हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। अभी एकदम नाक से सिंदूर करके मम्मी के साथ चल रही हैं, छठ पूजा के घाट से आ चुकी हैं और काफ़ी अच्छा लगा। छठ घाट कैसा लगा? काफ़ी अच्छा था। और अभी हम लोग जा रहे हैं काली माँ के मंदिर, वहाँ पर पूजा अर्चना होगी और उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो सभी लोग जा रहे हैं खाली पाँव, देख सकते हो आप। बहुत सारी महिलाएं, सभी लोगों ने अपना अपना व्रत खोल लिया और अब घर पे जाके खाना वाना बनेगा, फिर खाना पीना सब लोग खाएंगे। फाइनली 2-2.5 दिन के बाद, हाँ 60 घंटे बाद लगभग खाना पीना। लेकिन मम्मी का तो 24 बार है। आपका 48 घंटा कहाँ हुआ? परसों रात को, इधर ही है ना, तो इधर से काली माता का मंदिर है। तो रात के 24 घंटे, 36 घंटा बाद मम्मी का व्रत खुलेगा। यहाँ पर महिलाएं ऑलरेडी आ चुकी हैं काली माता के मंदिर पे। चलिए चलते हैं, पूजा वगैरह यहाँ पे होगा। तो भाई यहाँ पे जलेबी के लिए झगड़ा हो रहा है। मोहन जी का वाइफ क्या थका। वेल गाइस, तो फिर यहाँ का पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और अब मम्मी और मनीषा ये लोग आएगा थोड़ी देर में, अभी परिक्रमा वगैरह करके। और अब चलते हैं घर, मम्मी के पैर वैसे ही लड़खड़ा रहे हैं, चला नहीं जा रहा है। और अब चलते हैं अंदर और धूप एकदम मस्त खिला हुआ है। सुबह थोड़ी बहुत ठंड थी लेकिन अब इट्स नॉर्मल, अब ठीक है। बाकी मुझे जैसा उम्मीद था कि बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, कुर्ता पहन के जा रहा हूँ, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, ठीक था, नॉर्मल था। ये गाइस, ये लड़का बहुत ख़तरनाक है, पटाखा कैसे फूट रहा है। जल जाएगा, जलाओ शर्मा के का जी। भाई ये लोग दोनों लोग भाग रहे थे, हम खोज रहे हैं कब आएगा लोग, तो देखेगी लोग तो रास्ता नाप दिया है। बहुत बढ़िया। तो गाइज अभी एक नींद सो करके सब लोग उठ चुका है, लेकिन अब मैं नहीं सो रहा हूँ डर से, क्योंकि अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरा मन सब खराब सा हो जाता है। तो अभी क्या हुआ ना, अभी मम्मी कमेंट पढ़ रही थी, ठीक है, यहाँ पे बैठ के कमेंट पढ़ रही हैं। तो मम्मी पढ़ते पढ़ते खूब हंस रही है, बोले क्या हुआ है? तो कह रही हैं लगा था कि हमारा के बाबा बना दी। हाँ, बोले क्यों? तो सब आशीर्वाद मांगता मन मांग सब कह रही है, सब आशीर्वाद मांग रही है लोग कि हमको 2-3 जन कह रही है कि हमारा 5 साल हो गया है बेबी का। हम तो छठ में से सही में भगवान से कह रहे हैं कि हम बोले हैं कि भाई जिसका बच्चा नहीं है हो जाए, चूंकि दुनिया में बच्चा से अंधेरा रहता है घर और कोई लाइफ नहीं होता है, भले बेटा बड़ा हो जाए तो झगड़ा लड़ाई करे अलग बात है, लेकिन छोटा में बच्चा प्यारा लगता है और जिससे इसका नहीं है। अब इसमें कमेंट किया है लोग कि हमारा बेबी नहीं है, 5 साल हो गया, तो बेचारी दुखी है लोग, इसलिए लिख रहे लोग। और एक बोली है, ये आशीर्वाद तो दे रही है अलग बात है, लेकिन हमको कह रही है कि बताओ नहीं तो हमको बाबा समझ लिया लोग, हम ही सबको आशीर्वाद देंगे क्या? हम बोले कह रहे हो तो बोलता है लोग, फिर एक कमेंट आया है तब तक थोड़ी देर बाद, तब कह रही है कि देखो ना ये भी कमेंट की है कि एक बेटा है, अब एक बेटी चाहिए, आंटी जी बेटी दिलवा दीजिए। तो अभी छठ खत्म हो गया, पहले बोलना चाहिए हाँ, कि बेटी हो जाए, तो सही में बेटा बेटी हो जाता है तो अच्छा रहता है, तो आप लोग का जरूर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही सब चीज है, बढ़ा चढ़ा के बोलता है बेबी के लिए। मम्मी बहुत सोचती हैं,
चलो गाइस बने रहो आप। एवरीवन शाम का वक्त हो चुका है, बहुत ज्यादा आज गेम खेल लिया सब कुछ, और अब सोचा कि थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। ये कुर्ता मेरे में थोड़ा सा अंदर, मैंने टी शर्ट पहन लिया था सुबह, ठंड लग रही थी ना इसकी वजह से, तो थोड़ा थोड़ा ये एकदम सा पकड़ सा ले रहा है। तो चलते हैं मनीषा के पास, मनीषा ने तो मस्त अपनी नया सूट वगैरह ही पहना, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये हमारी प्यारी प्यारी पत्नी जी आज नाराज हैं, काहे की से काहे गुस्सा आ गई है, काहे गुस्सा आई है? तुम गुस्साती है ना, तो बड़ी क्यूट लगती है। गुस्सा हो, कान में का क्यों नहीं पहनी हो जी, बताओ। सुबह तुम एकदम रहोगी एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, शाम को तुम हो जाओगी ऐसे एकदम बिना गहना ज्वेलरी वगैरह के। अरे तो एटलीस्ट यू शुड वेयर अ लकड़ी इनसाइड योर ईयर, व्हाई नो? ओफो देखो गाइस चादर कैसे बिछाएगी, व्हाई आर यू एंग्री? ओ माय गॉड शी इज एंग्री, मुंह दिखाओ। ओ भाई साहब ये देखिए कैसे ये गुस्से एकदम बहुत खतरनाक गुस्से में इतना हंस रही है, तो आप सोच सकते हो मुस्कुराती है तो कैसे हंसती होगी। गुस्साने की फुल कोशिश हो रही है गाइस, फुल एकदम गुस्सा आ जाए। ठीक है सॉरी बोल दो, चलो जो हुआ सो हुआ, हम गलती माफ कर देंगे, सॉरी बोल दो। I don't know why she want me to do all this stuff. बेडशीट बिछाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, बर्तन धोने का दर कभी अपने हाथ का खाना भी नहीं करते। तुमको मम्मी कुछ बोली थी उस टाइम? क्या बोली? कुछ बोली थी उस टाइम? क्या बोली थी तुम बताओ ना। नो अंग्रेजी बोल, हम अंग्रेजी जब बोले नहीं, व्हेन आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश व्हाई यू नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश देन? चलो मोमोज बनाए ले लाओ। ओफो भरा हुआ है जो पूजा का हमको सामान, तो तुम पूजा तो कर लिए ना, फुला क्या ये पचका दो गाइस, अभी बर्तन को फुला दिए, ये तो अपना मुंह फुलाती है लेकिन बर्तन भी फुलाइए, छोड़ दो मेरा हाथ, इतना सारा कपड़ा धो के आई। सो गाइस ये तो मुंह फुलाती है बर्तन भी फुला रही है आजकल, बताओ मतलब डबल रोटी भी फुलाती है। अच्छा तुम ये तो बताओ गलती की, हमसे माफी तो मांग लो यार, इतना देर सोती हो बताओ। थैंक यू, चलो तुम बोल दी ना, तुम बोल दी, कह रही हम सॉरी बोलते नहीं है, सॉरी बोलते नहीं उसी में सॉरी था। चलो दोस्तों तो इसी पे मैं मनीषा को माफ़ करता हूँ दिल से, और मेरे लिए इतना मेहनत करती है, इतनी प्यारी बीवी है, भगवान इतनी प्यारी बीवी किसी को ना दे, सिर्फ हम ही को दे। भाई प्यारी बीवी है तो बोलेंगी। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हम देख लिए, समझ गए। अरे और भाई ये क्या हो रहा है, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, कोई बात नहीं है खुश रहो। आप सुने क्या? देखे हम उसको, देख के हम समझ गए। हम देख लिए थे, तुमको क्या लगा तुम उधर छुपाओगे, उनको पता नहीं चलेगा। ये देखो ये लड़की मेरा पर्स में से यहाँ पर घपला मारने वाली थी लेकिन छोड़ दी, क्या कागज था वो भर के रख दिए कागज वो उसमें। एनीवेज गाइस चलो मस्ती मजाक चलता रहेगा, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, तो चलते हैं मम्मी के पास, थोड़ा मम्मी से बात करते हैं। तो अब देख सकते हैं ये आज बहुत अच्छा गेम खेले हैं, अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किए हैं आज, स्क्रीनशॉट साइड में दिख रहा होगा। हमेशा हारते हैं, चलिए गाइस ये हमेशा हमसे जीतता है, छोटा है ना तो जीतने देना चाहिए, क्या मम्मी जितने देना चाहिए ना, कहा सुई हुई क्या? अरे वो थी है बीन्स, रखी होंगी पॉकेट में कुछ हो तो इसमें फंसा है कपड़ा में, 90 में निकाल लीजिएगा। बताइए मम्मी इसको जितने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, छोटा है तो जितना चाहिए ना, हैं? बहुत अच्छा काम है। वाह वाह, तो गई जब मम्मी बोल दी है बहुत अच्छा काम है तो क्या ही बोला जाए, मतलब थैंक यू मॉम, You are beautiful. Mummy, you are beautiful. I or ma? Yes, no doubt. She is beautiful. Mummy, you are awesome. Awesome. Mummy, you are awesome.
यू आर फैंटास्टिक. हम पहले बोल रहे हैं, आप बोलिए ना. थैंक यू खाली. यू आर फैंटास्टिक मॉम. यू आर ऑसम मॉम. मॉम यू आर ग्रेट. व्हाट अ स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल. यू आर लुकिंग प्रीटी. मॉम यू आर लुकिंग प्रीटी. मॉम यू आर डिसगस्टिंग. बोलिए थैंक यू. डिसगस्टिंग मतलब अच्छा नहीं होता है. यू आर नॉट डिसगस्टिंग मॉम. यू आर वेरी ब्यूटीफुल. यू आर ब्यूटी विथ ब्रेन. बाप रे, इतना तारीफ कर देता नहीं. हम प्रिंस को हजम नहीं हो रहा है, घूर के देख रहे हैं. आज गाइस प्रिंस का मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ है, आप उसे समझ सकते हैं कि कैसा इनका प्रदर्शन था. बाबू ऐसा तुम क्यों करते हो गाइस? पता क्या, ये मेरे से गेम खेलेगा ठीक है, मैं इससे हारूंगा ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब ये हार जाएगा ना, और जब तक नहीं जीतेगा, जब तक कुछ ना कुछ गड़बड़ी नहीं करेगा, तब तक खेलेगा. गजब है. बोला था क्या है? बीन्स या राजमा टाइप का कुछ. क्या है? शरीफा का बिया. हे भगवान. टीचिंग. चलो दोस्तों, तो अब चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या. अभी तो किचन में कुछ बन ही नहीं रहा होगा, अब कुछ खाना पीना खाएंगे. मार्केट चलते हैं, अभी थोड़ा मार्केट जा करके देखते हैं क्या कुछ हो सकता है. बने रहो आप लोग, दिल थाम के बने रहिएगा, और वीडियो को खूब सारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. इस ब्लॉग को एंड करते हैं. उम्मीद करते हैं कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताना. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए. थोड़ा जोर से बोलिए अपना ब्लॉग में जिसे बोल. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों. उससे क्या होगा ना, जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा. सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह की कंजूसी मत कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अपनी शरण.